इस वीडियो में हम कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। यहाँ मैंने दो चार्ज पार्टिकल्स स्पेस में अज्यूम किए हैं, Q1 और Q2। मैंने इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स के पोजीशन वेक्टर्स भी ड्रॉ किए हैं, R1 पोजीशन वेक्टर और R2 पोजीशन वेक्टर। इसी तरह से मैंने चार्ज पार्टिकल Q1 से Q2 की डायरेक्शन में एक और पोजीशन वेक्टर ड्रॉ किया है, R21। इसी तरह से मैंने यहाँ पर माना है कि दोनों चार्ज पार्टिकल्स Q1 और Q2 दोनों ही पॉजिटिव हैं। सो हमें पता है कि सिमिलर नेचर के चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो यहाँ Q1 जो है वो Q2 को पुश कर रहा है, रिपेल कर रहा है विद फोर्स F21। इसी तरह से F12 जो है वो है फोर्स अप्लाइड ऑन द चार्ज पार्टिकल Q1 ड्यू टू चार्ज पार्टिकल Q2। आइए अब कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। सबसे पहले ये जो तीन हमारे वेक्टर्स हैं R1, R2 और R21, देखिए इनमें क्या रिलेशन है। मैं लिख सकता हूँ वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R21 इज इक्वल टू वेक्टर R2। ये मैंने ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग लिखा है क्योंकि R1 के हेड पर R21 की टेल है। सो इन दोनों का सम R2 के इक्वल होना चाहिए। दिस इम्प्लाइज यहां से मुझे मिलता है R21 इज इक्वल टू वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। आइए अब पहले हम इन दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड लिख देते हैं। सो अगर मैं लिखना चाहूँ F21, इस फोर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड मुझे अगर लिखना हो तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है उसका फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। देखिए यहाँ दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड है वो एक्चुअल में R21 जो वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो मैं यहाँ लिखूँगा R21 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, जिसे मैं इस तरह से लिख सकता हूँ के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, इनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड और उसका स्क्वायर, क्योंकि हमने अभी भी लिखा था कि R21 इज इक्वल टू R2 माइनस R1। अब अगर मैं इस फोर्स को डायरेक्शन के सहित लिखना चाहूँ, डायरेक्शन के साथ लिखना चाहूँ, तो मैं लिखूँगा F21 फोर्स ऑन टू Q2 ड्यू टू Q1 इज इक्वल टू फोर्स का मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड है फोर्स का। सो के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय R21 कैप। देखिए R21 कैप क्या है, ये मैंने एक यूनिट वेक्टर अज्यूम किया है। इसकी डायरेक्शन मैंने कहाँ से कहाँ ली है, इसकी डायरेक्शन मैंने Q1 से Q2 की तरफ ली है। ओके सो अगर मैं R21 की वैल्यू लिखना चाहूँ, सो यूनिट वेक्टर की वैल्यू हम कैसे लिखते हैं, यूनिट वेक्टर होता क्या है, जब हम किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं सो उसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। सो R21 कैप किसके इक्वल होगा, वो होगा R21 वेक्टर डिवाइडेड बाय R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी कि R21 वेक्टर डिवाइडेड बाय R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आइए इसे इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। सो मुझे मिलता है F21 इज इक्वल टू फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय R21 कैप। और R21 कैप किसके इक्वल है, वेक्टर R21 डिवाइडेड बाय वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, इनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड। अब देखिए डिवीजन में ये क्वांटिटी देखिए, R2 माइनस R1 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और R2 माइनस
आर वन वैक्टर का फिर से मैग्नीट्यूड, सो ये ओवरऑल बनता है एफ टू वन फोर्स ऑन क्यू टू ड्यू टू क्यू वन इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाय आर टू माइनस आर वन, इनके मैग्नीट्यूड की पावर थ्री मल्टीप्लाइड बाय आर टू वन। ये एक्चुअल में एफ टू वन की वेक्टर फॉर्म है। आइए इसी तरह से एफ वन टू पता करते हैं। देखिए कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग दोनों चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे पर जो फोर्स लगाते हैं उसका मैग्नीट्यूड सेम ही होता है। सो यहां जब मैं एफ वन टू की बात करूंगा यानी कि फोर्स ऑन वन यानी कि क्यू वन ड्यू टू क्यू टू तो उसका मैग्नीट्यूड भी सेम ही आएगा। मैग्नीट्यूड मतलब ये चीज सेम रहने वाली है यहां पर भी। सो मैं लिखूंगा के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाय आर टू माइनस आर वन डिवाइडेड बाय इसकी पावर थ्री एंड मल्टीप्लाइड बाय, अब यहां पर मैं आर टू वन नहीं लिखूंगा बल्कि ये जो फोर्स आप देख रहे हैं एफ वन टू इसकी डायरेक्शन क्यू टू से क्यू वन की तरफ है। सो वेक्टर भी यहां इसी डायरेक्शन में होना चाहिए तो मैं यहां इसे लिखूंगा एफ आर वन टू वैक्टर। अब जरा इन दो वैक्टर्स को देखिए, ये जो हमारा आर टू वन वैक्टर है और आर वन टू वैक्टर है, इन दोनों वैक्टर्स के मैग्नीट्यूड सेम है आप देख सकते हैं। यहां पर अगर मैं आर टू वन की बात करता हूं तो ये इस डायरेक्शन में आएगा और अगर मैं आर वन टू की बात करूं तो वो इस डायरेक्शन में आएगा। इन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शंस अपोजिट हैं। सो मैं यहां लिख सकता हूं कि वेक्टर आर टू वन इज एक्चुअली इक्वल टू वेक्टर आर वन टू बट देयर डायरेक्शंस आर अपोजिट। सो अगर मैं आर वन टू की जगह आर टू वन लाना चाहूं तो अगर मैं इसे इक्वेशन नंबर वन नाम देता हूं और इसे इक्वेशन नंबर टू, सो आइए टू में आर वन टू की जगह आर टू वन पुट कर देते हैं तो मैं लिखूंगा एफ वन टू इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाय आर टू माइनस आर वन पावर थ्री मल्टीप्लाइड बाय, अब देखिए आर वन टू की वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूं तो ये नेगेटिव साइन इधर चला जाएगा और मुझे मिलता है माइनस आर टू वन वैक्टर। सो फाइनली मुझे मिलता है एफ वन टू इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाय आर टू माइनस आर वन के मैग्नीट्यूड की पावर थ्री। इस माइनस के साइन को मैं यहां लिख देता हूं और यहां मुझे मिलता है आर टू वन वैक्टर, इसे नाम दे देते हैं अपन इक्वेशन नंबर थ्री। देखिए इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर थ्री इसी को हम कहते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। यहां हमने दोनों फोर्सेस को वेक्टर फॉर्म में लिखा है। अब इन दोनों इक्वेशन से यानी कि इक्वेशन नंबर टू और इक्वेशन नंबर थ्री से हम एक बात नोट कर सकते हैं, आप चाहे एफ वन टू की बात करें या एफ टू वन की, दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड सेम है बट एक फोर्स के एक्सप्रेशन में यहां नेगेटिव साइन आ रहा है दूसरे में नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में तो सेम है बट इनकी डायरेक्शंस अपोजिट है। सो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशंस वन एंड थ्री एफ वन टू इज इक्वल टू माइनस एफ टू वन और ये और कुछ नहीं बल्कि ये न्यूटन्स थर्ड लॉ है, न्यूटन्स थर्ड लॉ जो कि कहता है एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शंस। और यहां से आप देख भी सकते हैं कि ये जो फोर्सेस हैं दोनों के दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में हैं। सो जो हमारा कूलम्स लॉ की जो वेक्टर फॉर्म है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ को
ऑबे करती है उसके अकॉर्डिंग ही है ये। ये थी कूलॉम लॉ की वेक्टर फॉर्म। सो इक्वेशन नंबर, मैं फिर बता दूं आपको, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3, इन्हीं को हम कहते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ।